कबीर सर, सर यहाँ पे मसाबाजी से मसाबाजी एक राइट राइट मैम सेंटर सर हाँ हाँ मैम मैडम यहाँ पे सर सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर ये क्या सब सब एक सब अरे अरे थोड़ा मान लो सब मिले खड़ा के मैडम ये सूती जी लाइट दे रहे गोविंद हाँ गोविंद लाइट नहीं दे रहा सर यहाँ पे बोलना सर सर राइट सर थैंक यू सर सर सामने सर और मैम मैडम थोड़ा आ गए हैं मैम सेंटर सेंटर डॉन इधर हो
यहाँ पे मैं मोहन भैया साथ में देखा कान देखो सर पूरा फैमिली पिक्चर है मेरे सर यहाँ पे पिक्चर है मैडम जी हेलो मैडम जी साथ में भाई रुक जा भाई इधर आ जा। हाँ जी भाई आ जा भाई उधर जा रहे इधर आ जा सेंटर अरे सेंटर इधर फेस नहीं दिख रहा है अरे अरे मुंह अरे रेमो सर एक मिनट आप लोग रेमो सर यहाँ पे रेमो सर सेंटर थैंक यू रेमो सर छोटा सा स्मॉल बाइक स्मॉल राजकुमार अरुण अरे राजकुमार एक भाई एक स्टेप नीचे आ जाओ और विदाउट कैप अरे मैडम जी राजकुमार पत्र लेंगे मैडम जी थैंक यू भाई मोबाइल पीछे आना बस भाई एक स्टेप नीचे भाई थोड़ा ज्यादा है मैं यहाँ पे उमा जी आ गए उमा जी सेंटर यहाँ पे मैम सेंटर लो एक आपका सिंगल एक बस मैडम जी बस उमा जी एक मैडम उमा जी सेंटर उमा जी एक मिनट यहाँ पे ऊपर ना ऊपर अरे सोफी चौधरी भी है इधर भाई सब लोग यहाँ पे बस मैडम जी दिख रहे बस सर जी सोफी जी यहाँ पे सर सोफी बैठ यहाँ पे एक मिनट मैडम जी सेंटर लेफ्ट में सर सेंटर एली वेट ग्रुप फोटो थैंक यू गाइस
एलईजी सेंटर एलईजी एकदम आपके राइट में एलिमेंट सेंटर यहाँ पे एलई यहाँ पे ड्राइवर सेंटर थैंक यू यहाँ पे यहाँ सामने भाई टाइम है रुको टाइम है अभी 10 मिनट है अभी 10 मिनट है 10 मिनट है 10 मिनट ये सर ऐसा टाइम है सर अभी टाइम है रुको एक मिनट यहाँ पे रुको सर लास्ट करना बाइक 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 मैडम जी रुकिए एक मिनट मैडम जी रुकिए यहाँ पे एकदम सामने मैम ग्यारह ज़्यादा ऊपर होंगे मैडम जी ज़्यादा ऊपर होंगे हाँ जी बस देखिए यहाँ पे देखिए एकदम सामने देखिए यहाँ पे भेजिए यहाँ पे सर का भी सोलो थे हम लोग अभी अरे चालू हो गया ऊपर है ऑलरेडी ऊपर है ऑलरेडी मम्मी के साथ इधर आइए मैडम जी राइट साइड
पीछे से हाथ पकड़ो, राइट भाई, राइट राइट भाई, राइट भाई, राइट सामने, राइट भाई सामने, राइट भाई राइट भाई, राइट भाई राइट, ओके राइट भाई, आप कोने का जानू कोने का जो जय जय सर, ऊपर साथ में, साथ में देखो सर, सर लेफ्ट में, एकदम लेफ्ट में सर, सर लेफ्ट में, सर आपके लेफ्ट में सर, सर सर लेफ्ट में, सर लेफ्ट में, ओके थैंक यू, ये जाने को जरूर, अरे एक मिनट राइट से अरमान सर लेफ्ट, अरमान सर लेफ्ट, अरमान भाई इधर लेफ्ट में, अरमान भाई लेफ्ट, शुक्रिया भाई, नीचे 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 सामने पे इतना, अरे आगे मत जाओ यार, सामने सर, राइट राइट सर, सर सामने, सर सर आप वेट कर, सर आप वेट कर देंगे, सेंटर में सर, सर बाबा राइट, अरे दादा भी है, अरे अरे दादा भी है, घर में नहीं है, भाई 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 मेरा निकल, निकल भाई, बड़े भाई गुड लक गुड लक, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, वेरी बिग, बहुत पसंद है, तो अनयूजुअल सलमान है, तभी मैं आई हूँ देखने, बहुत अनयूजुअल है, अभी सॉन्ग देख के बताऊंगी। सो अपार्ट फ्रॉम इट, बिग बॉस 11 भी आने वाला है, उसके लिए कितने एक्साइटेड है आप? वेट करूंगी देख के तब। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू, बड़ा अच्छा, वेरी गुड, आप कैसे बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड, इतने एक्साइटेड होते हैं कि एक्साइटमेंट ही कंटेंट नहीं हो पाता है, रियली रियली एक्साइटेड, एंड ट्यूबलाइट का तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा बज है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, कलेक्शंस को लेकर बातें हो रही हैं, सो जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि स्टोरी हमेशा रहती है सलमान सर की फिल्म में, और उनकी एक्टिंग और कहीं ना कहीं वो हंसाते भी है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। सलमान सर की फिल्म का हर ट्रेलर एक्चुअली ट्रेलर से इतना ज़्यादा बस क्रिएट हो जाता है, सो आई रियली लव ट्यूबलाइट का ट्रेलर, वन सॉन्ग विच आई रियली लव्ड वाज रेडियो, रेडियो बहुत अच्छा लगा। एक्सपेक्टेशंस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, आई होप कि जितनी ज़्यादा पसंद पहली फिल्म की गई है, पिछली फिल्म की गई है सलमान सर की, उससे कई ज़्यादा प्यार इस फिल्म को मिले। थैंक यू, थैंक यू। डेफिनेटली इट्स अ सलमान खान फिल्म, एंड आई बिलीव इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म, वो बहुत ही इमोशनल फिल्म है, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म, आई बिलीव वेरी स्वीट फिल्म, दिस व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल, सो आई एम ईगरली वेटिंग टू सी द फिल्म। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन आर यू कीपिंग फॉर 2019? एक्सपेक्टेशंस टू सी अ वेरी गुड फिल्म, इट्स फ्रॉम सलमान खान्स बैनर विद कबीर खान मेकिंग टू बिग हिट्स विद सलमान, सो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, एंड आई नो द फिल्म विल लिव अप टू दैट। हाँ जी, हाँ सजन रेडियो इज अ ब्रिलियंट सॉन्ग, इनफैक्ट ऑल द सॉन्ग्स देर आर ब्लॉकबस्टर्स, सारे गाने बहुत अच्छे हैं, और द वेरी फैक्ट जो एक इनोसेंस, जो एक जो जेन्युइन जो एक नेस जो सलमान की परफॉर्मेंस में मुझे ट्रेलर्स में नज़र आई है, वो बहुत ही अच्छी लगती है, एंड आई उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया फिल्म होगी। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू सो मच।
बहुत एक्सपेक्टेशंस है, हमारे भाई की पिक्चर है और पिक्चर ट्यूबलाइट ईद पे आ रही है, तो सलमान भाई की पिक्चर से जो सबको एक्सपेक्टेशंस होती है वही है और ज़बरदस्त पिक्चर है, बहुत ही सबको मज़ा आएगा और हम लोग भी इन्जॉय करेंगे एंड और बस जो हर साल कहते हैं वी लव यू और क्या। सुपर्ब गाने हैं, सुपर्ब परफॉर्मेंस है, सलमान भाई का एक नया रूप है और कबीर खान और सलमान भाई की जो जोड़ी है उसके दो बहुत बड़ी पिक्चरें ऑलरेडी आ चुकी हैं, सो ट्यूबलाइट से एक नया रूप देखने को मिलेगा, तो वो उसकी को एंजॉय करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत हमेशा ही एवरी ईयर वी आर एक्साइटेड, जितना ईद के लिए एक्साइटेड है उससे ज़्यादा शायद सलमान भाई की फिल्म के लिए एक्साइटेड रहते हैं। इट्स लाइक अ फेस्टिवल, वी हैव कम हियर टू एंजॉय। थैंक यू। ये सलमान सर और कबीर सर की फिल्म है, मतलब उन्होंने पहले हमें बजरंगी भाईजान एक तो टाइगर दी है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ट्रेलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और ऐसा लोग कह रहे हैं कि शायद बजरंगी से भी एक स्टेप ऊपर है ये फिल्म, क्योंकि बजरंगी बेहद पसंद आई थी हमें, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। भाई की फिल्म है, आई लव सलमान भाई, सो पीरियड। रेडियो। हाँ देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, आई थॉट राज एंड श्रुति वर फैबुलस एंड राज को इस किरदार में देखे बहुत मज़ा आया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। After the film. Only two questions. फिल्म के बाद ले लो भाई। हाय। हाँ जी। फिल्म के बाद ना? अभी सब साथ में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार मैं, आई एम अ ह्यूज ह्यूज एडमायरर ऑफ सलमान सर, आई थिंक करोड़ों लोगों के जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ जो उनकी फिल्में और उनको एज एन इंडिविजुअल बहुत पसंद करता है, बहुत लाइक करता है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्यूबलाइट देखने के लिए एंड सो बस कांट वेट टू वॉच द फिल्म एंड ऑफकोर्स आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कबीर सर ऑल्सो, जिस तरह की वो फिल्में बनाते हैं, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म एंड होपिंग टू हैव अ नाइस गुड टाइम। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा, अभी जाके पता चलेगा कि यकीन क्यों है, अभी जाके पता चलेगा पूरा स्टोरी, तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा था, आई थिंक सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, सुहेल भाई एंड सलमान सर टुगेदर आई थिंक इट्स जस्ट ब्रिलियंट, सो आई एम जस्ट वेटिंग टू गो एंड वॉच द फिल्म एंड होप। रेडियो। थैंक यू। सुपर एक्साइटेड, मैं तो मतलब बचपन से ही सुपर एक्साइटेड रहती हूँ, तो अभी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है ट्यूबलाइट के लिए। जी हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। इतना पसंद आया कि वेट करने को बहुत टाइम लग रहा था कि कब मूवी रिलीज होगी। हाँ मुझे तो भी बहुत मतलब अच्छा लगा और मैं बहुत एक्साइटेड थी, सो या इट्स गोना बी फन टू वॉच द मूवी। रेडियो रेडियो नो आई कांट। मैं करूँगी तो लोगों को गाना पसंद नहीं आएगा क्योंकि मैं गा नहीं सकती और मैं ये ना इंसाफी मेरे भाई के गाने के साथ नहीं करूँगी, हमको ये नहीं करना है, बट हाँ उतना हम कह सकते हैं रेडियो बजाइए सर। थैंक यू। भागो। शिक्षक के बाद एक Yeah, yeah.
Let me go see the movie. Super excited. Which one is your favorite song? Your favorite song? All. मैं उनके साथ डेफिनेटली काम किया है, पर उससे पहले मैं उनकी फ़ैन हूँ, तो हमेशा से सलमान खान की फिल्म देखने के लिए लुक फॉरवर्ड करती हूँ और हमेशा से उनकी फिल्म देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ. सो आपको कौन सा गाना पसंद आया इस फिल्म? रेडियो. या ट्रेलर देखा होगा आपने, जी. क्या एक्सपेक्टेशन रखती है कि कल जब फिल्म आएगी सिनेमाघरों में क्या करने वाली है? सलमान खान की फिल्म में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई मीन ऑब्वियसली उनकी फिल्म बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टर्स. सो ही इज़ होपिंग फॉर द बेस्ट. एक्साइटेड होता हूँ हमेशा, क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी होती है और बिजनेस बहुत सारा आता है जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है. आई थिंक वेरी मच. आई थिंक सलमान के लिए जितना खुश हूँ मैं, आई थिंक उससे ज़्यादा खुश मैं सोहेल के लिए हूँ. आई थिंक मैं सोहेल के लिए फिल्म देखने आया, फिर भाई के लिए. तो आई थिंक सोहेल मेरी जान है, तो आई थिंक इट्स फॉर सोहेल. एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाना है कि नहीं तू बता? फाड़ू है. नहीं, बहुत ही है, बढ़िया. ग्रूव बहुत अच्छा है, मूवमेंट्स बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं एक क्लीन एंटरटेनर फिल्म दिखाई दे रही है, विच इज़ यानी जो फैमिली के साथ. मुझे मेरी गोपी किशन की याद दिलाती है ये फिल्म, यू नो, बिकॉज ऑफ द डबल रोल एंड एवरीथिंग. या अरे बहुत एक्साइटेड होते हैं यार भाई की मूवी के लिए, तो ऑफकोर्स मैं क्या पूरा कंट्री एक्साइटेड रहता है. वो वाला छाने लगा. भाई यहाँ पे कार्तिक
कार्तिक यहाँ पे कार्तिक सर लेफ्ट सर लेफ्ट सर इधर देखिए सर लेफ्ट भैया